छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ की वार्षिक आम सभा एवं चुनाव कार्यकारिणी समिति की बैठक राजनांदगांव में आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस अवसर पर हॉकी संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ के कार्यकारिणी की घोषणा एवं 14वीं वार्षिक आम सभा राजनांदगांव के अवाना होटल में रखा गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं ऑब्जर्वर गुरुचरण सिंह होरा, महापौर हेमा देशमुख, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुलदियार सहित बड़ी संख्या में हॉकी संघ से जुड़े सदस्यगण शामिल हुए। कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश हॉकी संघ के चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी रविशंकर, उपाध्यक्ष हरिंदर सिंह भाटिया, एम वाई कुरैशी, विनीता नवघरेक्ष, मंजुला विश्वास, महासचिव मनीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव गोपेश्वर कहारा, राजेश मंडावी, वर्षा शर्मा, कोषाध्यक्ष रीना बोरकर, आशा थॉमस, कार्यकारी सदस्य नीलम चंद जैन, अमिताभ मानिकपुरी, गजेंद्र शर्मा, अंसार अहमद, नवीन मसीही के निर्वाचन की रिटर्निंग ऑफिसर गुणेंद्र कुलत ने विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर ऑब्जर्वर एवं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने लगातार काम कर रहे हैं। इस अवसर पर ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी ना हो, इसे लेकर खेल विभाग और सरकार के बीच ओलंपिक संघ सेतु का काम कर रहा है और उसका निर्वाचन की प्रक्रिया पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से उपस्थिति और निर्वाचन संपन्न निर्वाचित पदाधिकारियों को फिरोज अंसारी जी, मनीष श्रीवास्तव जी, रवि कुमार जी, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही इस नगर की महापौर देशमुख जी, हमारे नगर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा जी, जितेंद्र मुदियार जी और सारे लोग जो विशेष रूप से इस सभा में उपस्थित हुए, उन सबको अपनी ओर से आभार रखता हूँ। विशेष रूप से बताना चाहूँगा, माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में दिन दूनी रात चौगनी आप नई घोषणाएं सुन रहे होंगे। अभी एस्ट्रोटर्फ की घोषणा दुर्ग में हुई है, एक टेनिस कोर्ट का निर्माण हुआ है, टेनिस एकेडमी बन रही है और बहुत सारे संसाधन जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं और खेल संघ और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा राजनांदगांव के विषय में, विनोद राठी जी जो कि शतरंज संघ के महासचिव है, पहला ओलंपियाड जो इस देश में हो रहा है शतरंज का, उसमें पार्टिसिपेट करने चेन्नई गए हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कि हमारे यहाँ का एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, जो शतरंज से इतने साल से जुड़ा ओलंपियाड करा रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। राजनांदगांव में अनेक उपलब्धियाँ दर्ज हैं, उसमें एक उपलब्धि ये भी है। ये 30 खेल संघ है हमारे पास। आज देखे मैं स्वयं उपस्थित हूँ राजनांदगांव में, जितने खेल संघों के निर्वाचन और उसकी कार्यप्रणाली पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, उनको किसी संसाधन की कमी ना हो, कोई खिलाड़ी उससे विमुख ना हो, खेल विभाग और सरकार के बीच में सेतु का काम जो है ओलंपिक संघ का। एस्ट्रोटर्फ को लेके सरकार गंभीर नजर आ रही है लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर हमेशा सहज है, हर चीजों को स्वीकार किया जाता है, उसको सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, हमने जो भी मांग मांगी, जो भी हमने खिलाड़ियों के लिए कहा, तत्काल हमको उसकी स्वीकृति मिली है। मैं इस 3 साल में आपको बता देना चाहता हूं कि टेनिस का 18 करोड़ रुपए का स्टेडियम रायपुर में बन रहा है, अभी आपकी हॉकी की घोषणा हो गई है, तो अभी बहुत सारी एकेडमी खुली है, आर्चरी की खुली है, बिलासपुर में नर्सरी खुली हुई है, एकेडमियां खुल रही है, साई का निर्माण हो गया है, काम चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से खिलाड़ियों को जो तराशने का काम है वो कोच, उनके पेरेंट्स, उनके जो खेलने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। हमारा काम संसाधन उपलब्ध कराना है, बाकी खेलना तो खिलाड़ियों का काम है और खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेगा तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं जब हम ओलंपियाड में मेडल लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ के फिरोज अंसारी इस बार भी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने कहा कि हॉकी की प्रगति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं,
इसमें प्रदेश सरकार का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। वार्षिक आम सभा संबंध हुई, वार्षिक आम सभा में अगले 4 वर्षों के लिए नए पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ है। आज इस निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई निर्वाचित अधिकारी द्वारा। हमारी आम सभा में हॉकी के विकास के लिए जो योजनाएं हमको बनानी है उस पर चर्चा हुई। विभिन्न जिलों से यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे। सबसे राय मशवरा लेके हम हॉकी के विकास को लेके एक कार्य योजना बनाएंगे और राष्ट्रीय खेल हॉकी की प्रगति के लिए कार्य करेंगे। राज्य शासन का निरंतर सहयोग हम लोग को हॉकी के विकास के लिए लगातार मिल रहा है। अभी वर्तमान में 6 एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक ग्राउंड हमारे राज्य में है। 7वां एस्ट्रोटर्फ की घोषणा परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग में की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में, खेल मंत्री उमेश पटेल जी के मार्गदर्शन में खेलों का निरंतर विकास छत्तीसगढ़ में जारी है। हॉकी के साथ साथ समस्त खेलों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। राजनांदगांव में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर के मैच वहां पर नहीं होते हैं। हॉकी के यहां के लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। पूर्व में नेशनल गेम्स अगर हुए हैं, हॉकी इंडिया के नेशनल हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच भी 3 वर्ष पूर्व इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज मैच वहाँ पर आयोजित हो चुकी है। हम प्रयास करेंगे कि आगे भी राज्य शासन के सहयोग से जब भी हॉकी इंडिया हमको राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच देती है तो उसको हम राजनांदगांव में आयोजित करेंगे। इसके लिए हमने एक निवेदन हॉकी इंडिया से किया है, प्रोलोग के मैच हो या कोई भी इवेंट जो भारत में हॉकी इंडिया को प्राप्त होता है तो उसका 1 या 2 मैच जब जितना भी संभव हो राजनांदगांव या रायपुर में वो हमें दे तो हम उसको राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न कराएंगे। वर्ष 2022 से 2026 तक 4 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है। नए पदाधिकारियों के निर्वाचन की विधिवत घोषणा के साथ ही 14वीं वार्षिक आम सभा की बैठक भी संपन्न हुई। इस बैठक में हॉकी खेल को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश भर से आए सदस्यों ने चर्चा की। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों को हॉकी संघ के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।